ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी और वो काफी पॉपुलर भी हुई, लेकिन फिर ये इथेरियम क्या है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो बिटकॉइन से भी बेहतर साबित होगी, और इसके अलावा वो कौन से कॉइन हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में बाकियों से अलग हैं? यही वो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज क्रिप्टो पे चर्चा में। The cryptocurrency that started off as a joke is no longer a laughing matter. It is a false comparison. Litecoin is the real silver. So it's kind of silver to Bitcoin's gold. The point that I'm making is not that Dogecoin is like a serious investment. Hold it, hold it, hold it, hold it, never sell. If this is real money. Buy more, buy more, buy more, buy more, it's doing well. Such high. But there's Bitcoin and then there's shitcoin. Taking Dogecoin to the moon. Ethereum is going to trade much higher. And Dogecoin definitely is getting a lot of attention these days. For Litecoin, fees are still in the pennies. So it's very cheap and fast to use. Ethereum is designed to do something else. Ethereum एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बिटकॉइन की एस्टैब्लिश की हुई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाता है और दूसरे कई एप्लीकेशन को खुद में जोड़ने के लिए इसे और ज्यादा एक्सपेंड भी करता है। वैसे ईथर के नाम से लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि नेटवर्क को कम करने का काम करती है। इथेरियम प्लेटफॉर्म 2015 में टोरंटो बेस्ड प्रोग्रामर विटालिक बैटेरियन ने बनाया था। एक डिसेंट्रलाइज और मिलकर काम करने वाले एप्लीकेशन के तौर पर इसे बनाया गया था। ईथर एक टोकन है जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन में काम आता है। बिटकॉइन की तरह ये एक पीयर टू पीयर काम करने वाला फाइनेंशियल सिस्टम है जो किसी सरकारी निगरानी या इंटरवेंशन से दूर है। बिटकॉइन की तरह ही इसने काफी कम समय में लंबी उछाल देखी है। इथेरियम काम कैसे करता है? इथेरियम की ब्लॉकचेन बिटकॉइन के जैसे ही काम करती है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर को मौका देती है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर को बना सके जिससे ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन को मैनेज और आउटकम को ऑटोमेट किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। एक आसान एग्जांपल लें तो इथेरियम यूजर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर अपने किसी दोस्त को एक निश्चित अमाउंट किसी चुने हुए दिन भेज सकता है। वो अपने कोड को ब्लॉकचेन में लिखेंगे और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, दूसरी पार्टी को या रिसीव करने वाले को ईथर रिलीज हो जाएगा। इस आइडिया को और भी कॉम्प्लेक्स सेटअप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी क्षमता लिमिटलेस है और कई प्रोजेक्ट जो कि इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सर्विस, लीगल या क्राउड फंडिंग के एरिया में काम कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इथेरियम एनएफटी मार्केट में भी इस्तेमाल होता है, और एनएफटी क्या है ये जानने के लिए आप देख सकते हैं क्रिप्टो पे चर्चा का हमारा तीसरा एपिसोड, आखिर क्या है एनएफटी। लाइटकॉइन एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद इंस्टेंट करीब करीब जीरो कॉस्ट पेमेंट को पूरा करना है। ये पेमेंट दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद लोगों या संस्थानों के बीच हो सकती है। लाइटकॉइन बिटकॉइन के मैथमेटिकल कोड से मिलते जुलते कोड को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इन कोड का इस्तेमाल चार गुनी ज्यादा स्पीड और सप्लाई के लिए करता है। चार्ली ली, जो कि गूगल के पूर्व कर्मचारी और कॉइनबेस में इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2011 में लाइटकॉइन को रिलीज किया था। ली ने लाइटकॉइन को बिटकॉइन के साथ काम करने के लिए बनाया था, ना कि उसके रिप्लेसमेंट या फिर कॉम्पिटिटर के तौर पर। ली खुद कहते हैं कि वो बिटकॉइन जैसे सोने के सामने एक चांदी बनाना चाहते थे, क्योंकि लाइटकॉइन 2.5 मिनट में ब्लॉक बना सकते हैं, जबकि बिटकॉइन को ऐसा करने में 10 मिनट लगते हैं। ऐसे में ट्रांजेक्शन में लगने वाला वक्त भी कम होता है, और इसीलिए लोग लाइटकॉइन को बिटकॉइन का हल्का और तेज वर्जन भी मानते हैं। लाइटकॉइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लाइटकॉइन खुद को पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी के तौर पर एडवर्टाइज करती है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसका फोकस एक मीडियम के तौर पर बैंक या किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर के बिना ट्रांजेक्शन करना है। कई लोग लाइटकॉइन में अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं और उनका मानना है कि ये आने वाले वक्त में और आगे बढ़ेगी, न केवल ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने में बल्कि और किसी तरीके की करेंसी को खरीदने में भी। लोगों का ये भी मानना है कि एक दिन अपनी कीमत में ये और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज करेगी, और इसीलिए लोग लाइटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई क्रिप्टो करेंसी की तरह लाइटकॉइन की माइनिंग यूजर करते हैं और बदले में उन्हें ये करेंसी मिलती है।
लाइटकॉइन में माइनिंग करने वालों को 25 नए लाइटकॉइन हर उस ब्लॉक के बदले दिए जाते हैं जो वो माइन करते हैं। ये अमाउंट करीब करीब 4 सालों में आधा हो जाता है। लाइटकॉइन का 84 मिलियन कॉइन का कैप है। ये बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। बिटकॉइन की तरह ही ली ने लाइटकॉइन के अधिकतर कॉइन को शुरुआत में ही माइन कर लिया था। आज 63 मिलियन से ज्यादा लाइटकॉइन मौजूद है। डॉज कॉइन भी एक पीयर टू पीयर ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जो कि बिटकॉइन की तरह ही अपने यूजर्स को एक अलग डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर माध्यम देती है जिसके जरिए वो बिना किसी थर्ड पार्टी के अपने ट्रांजैक्शन पूरे कर सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों IBM के बिली मार्कस और एडोब के जैक्सन पामर ने 6 दिसंबर 2013 को डॉजकॉइन बनाया था। इसे बिटकॉइन जैसी लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के सामने एक जोक के तौर पर शुरू किया गया था। यहाँ तक कि इसका नाम भी एक डॉज मीम से लिया गया था जो कि शिबू इनू की तस्वीर के साथ था, लेकिन उसी मजाक से लोगों के बीच फेमस हो गया और आज क्रिप्टो मार्केट में इसकी कीमत $45 बिलियन के करीब है। 2013 में क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के बीच ये काफी ज्यादा पॉपुलर था। बाद में इंटरनेट फोरम जैसे कि रेडिट और डॉजकॉइन ने कंटेंट क्रिएटर्स को डॉजकॉइन का रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया, जिससे 2014 में डॉजकॉइन की कीमत में बिटकॉइन की तुलना में काफी ज्यादा उछाल आया। उसके बाद स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क के ट्वीट ने डॉजकॉइन की कीमत 600% और बढ़ा दी। आज डॉजकॉइन की कुल कीमत $41 बिलियन के आसपास है। शिटकॉइन शब्द एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बेहद कम या फिर कोई वैल्यू नहीं होती। इस डिजिटल करेंसी का कोई साफ उद्देश्य नहीं है। ये एक अपमानजनक शब्द माना जाता है जिसका उपयोग उन करेंसी के लिए किया जाता है जो कि बिटकॉइन के पॉपुलर होने के बाद डेवलप की गई। इसकी खराब कीमत का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई। इनकी कीमत स्पेक्यूलेशन पर आधारित होती है और इसीलिए इन्हें बैड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। शिटकॉइन को पहचानना आसान होता है क्योंकि वो एक ही तरीके के पैटर्न का इस्तेमाल करती है। हालांकि जब कोई कॉइन लॉन्च होता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन जैसे ही लोग जो इसमें फायदा लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो इससे निकल जाते हैं, उसके बाद इनकी कीमत में फिर गिरावट आ जाती है।